हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई हिना वेलकम यू ऑल इन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की यूपी कैडेट और राजस्थान जेईटी की प्रिपरेशन? आई थिंक आप सब लोग की प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही है क्योंकि आप लोग क्लासेस देख रहे हो। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली क्लास है आप लोग की एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी की। इससे पहले आप लोगों ने हॉर्टिकल्चर पढ़ा होगा, सीड साइंस के बारे में पढ़ा होगा। अब आपकी क्लास जो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ये है एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, मींस एग्रोमेट्रोलॉजी। तो एग्रोमेट्रोलॉजी सब लोग सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट में पढ़ते हैं आई थिंक। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून विश्वेश तिवारी, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। अब देखो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में। ओके, आज की क्लास जो है अभी मेरी, आई थिंक आप लोग के पास फर्स्ट क्लास, आई थिंक नहीं, फर्स्ट क्लास ही है ये। ओके, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगी। मैं सारे वो इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बेटा एग्रोमेट्रोलॉजी जो इंट्रोडक्टरी है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि एग्रोमेट्रोलॉजी का जो पोर्शन है ये आप लोगों के 6 to 7 मार्क्स को कवर अप करेगा। ओके, इसके अलावा फिर मैं आप लोगों के लिए बाकी हम लोग बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, लाइक निमेटोलॉजी और पैथोलॉजी वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो वो सब्जेक्ट भी मैं ही डील करूंगी। तो पर अभी हम लोग एग्रोमेट्रोलॉजी की क्लास कर लेते हैं पहले। तो देखो बेटा, एग्रोमेट्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, एग्रोमेट्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में, जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स में वेदर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अब क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो थॉट ऑफ द डे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। जब तक एग्जाम नहीं निकलता कोई स्ट्रेस मत लो, अपना बेस्ट करो और रेस्ट को तब तक भूल जाओ, जितना हो सके अपने प्रिपरेशन पे एम्फेसाइज करो। तो सबसे पहले अब हम लोग आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे, मेट्रोलॉजी। अब देखो बेटा, मेट्रोलॉजी और एग्रोमेट्रोलॉजी दोनों में डिफरेंस होता है। पहले हम लोग मेट्रोलॉजी पढ़ लेते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या है। ओके, तो मेट्रोलॉजी जो है बेटा ये ग्रीक वर्ड है। ओके, मेट्रोलॉजी आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग मेट्रोस। मेट्रोस मीन्स, अब देखो मेट्रोस का मीनिंग क्या होता है, अबव द अर्थ सरफेस। क्या मतलब होता है, देखो ये चीज याद रखना, कौन सा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड है। और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के ऊपर। ओके, अर्थ सरफेस के ऊपर मींस मेट्रोस। ओके, एंड लोगोस, लॉजी मी इंडिकेटिंग साइंस, मतलब ये किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है साइंस मीन्स टू स्टडी। ओके, तो जहां पर हम अर्थ सरफेस के ऊपर का जो साइंस है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी चीजें उनके बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं मेट्रोलॉजी में। किसमें पढ़ते हैं बेटा, मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी में, अर्थ सरफेस के ऊपर का जितना भी साइंस। तो जो ये अर्थ है जिसमें हम लोग खड़े हैं या बैठे हैं, ओके, तो उस अर्थ सरफेस के ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोस बोलते हैं। तो मेट्रोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन सब की स्टडी हम करेंगे एग्रो आपके मेट्रोलॉजी में। ओके, तो मेट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो मेट्रोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद दैट एटमॉस्फेयर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। बेसिकली अर्थ सरफेस के ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर है हमारा, गैसेस की पूरी लेयर है। ओके, तो जब हम इस एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं बेटा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेट्रोलॉजी बोलते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी आपका प्रेजेंट है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी आपकी लेयर्स है, कुछ भी प्रेजेंट है, वो सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी में। तो सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, फादर ऑफ मेट्रोलॉजी, तो फादर ऑफ मेट्रोलॉजी कौन है, एल.ए. रामदास। कौन है बेटा, एल.ए. रामदास। अब इनको फादर ऑफ मेट्रोलॉजी किसने बनाया और क्यों बनाया, क्योंकि बेटा इन्होंने सबसे पहली बार रेनफॉल मेजरमेंट दिया था। क्या दिया था इन्होंने, इफेक्टिव रेनफॉल मेजरमेंट दिया था। रेनफॉल क्या होता है, बारिश, और बारिश भी कहां से होती है, ऊपर से ही तो होती है, तो बारिश भी कौन सा फैक्टर हो गया, मेट्रोलॉजी के अंडर आता ना फैक्टर। ओके, चलो अब देखो, तो एल.ए. रामदास जो है बेटा ये फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी है। ओके, क्या है, फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी है आपके, एल.ए. रामदास। ओके, अब देखो दूसरी चीज ये क्या कह रहा है, एल.ए. रामदास डिवाइज अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग इफेक्टिव रेनफॉल। इन्होंने क्या बनाया था, एक सिस्टम बनाया था, किस चीज का सिस्टम बनाया था आपका,
इन्होंने बनाया था इफेक्टिव रेनफॉल मेजरमेंट का, कि आप रेनफॉल किस तरीके से बहुत इफेक्टिवली और एकदम अच्छे तरीके से आप उसको सही डिजिट्स पे किस तरीके से मेजर कर सकते हो, ओके, कि कितना रेनफॉल हुआ है, कितनी इंटेंसिटी से हुआ है, ये हम किस क्यों कैसे मेजर कर सकते हैं आज, क्योंकि एल ए रामदास ने इसका कंसेप्ट दिया था और इसके इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से ही इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी बोला जाता है। चलो दूसरी चीज हम पढ़ लेते हैं, मेट्रोलॉजी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिक्स एंड जियोग्राफी, ये आपका फिजिक्स और जियोग्राफी दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। मेट्रोलॉजी क्या है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी है उसकी स्टडी हम मेट्रोलॉजी में करते हैं। एक्चुअली में एल ए रामदास जो है वो फादर है हमारे एग्रोमेट्रोलॉजी के। क्यों है एग्रोमेट्रोलॉजी के फादर, इसलिए है बेटा क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार रेनफॉल मेजरमेंट की जो एक टिपिकल डिजिट्स होती है उसके बारे में बताया था, एक बहुत अच्छा मेथड बताया था किस तरीके से आप रेनफॉल को मेजर कर सकते हो, ओके। इसके अलावा इसने क्या बताया है कि मेट्रोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, फिजिक्स एंड जियोग्राफी का, ओके, फिजिक्स एंड जियोग्राफी का कॉम्बिनेशन है। चलो अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं वेदर के बारे में, वेदर क्या होता है बेटा, तो अब देखो वेदर जो है, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, इसके अलावा जितनी भी प्रोसेस है ये सारी हमारी किस में आती है, मेट्रोलॉजी के अंडर आती है, ओके। तो चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं वेदर के बारे में। तो वेदर क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ एटमोस्फियर दैट गिवन प्लेस एट एंड गिवन टाइम। देखो बेटा ध्यान से सुनना कि मैं क्या बता रही हूँ, देखो एट प्रेजेंट टाइम पे अभी मौसम कैसा है, ओके, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पर्टिकुलर जगह का मौसम कैसा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेदर। अभी इस टाइम पे भाई मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या क्या हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेदर। अभी अगर हम करंट आज के ही दिन का हमें देखना है तो उसको हम क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, उसको हम वेदर बोलेंगे, ओके, बात समझ में आ गई। चलो जैसे अब एग्जांपल भी इसने दिया है क्लाउडी डे, जैसे किसी दिन क्या होता है बारिश बहुत ज्यादा होती है या आसमान में बिल्कुल बादल लगे होते हैं तो उस दिन हम बोलते हैं ना टुडे इज क्लाउडी डे, या फिर किस दिन बहुत अच्छी धूप निकलती है तो हम बोलते हैं उसे टुडे इज सनी डे, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, ये होता है आपका वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट भी हम एक बार ही देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म रिजाइम ऑफ एटमोस्फेयर वेरिएबल्स ऑफ अ गिवन प्लेस और एरिया। जब हम बहुत टाइम से, एक महीने का आप लगा लो या साल भर का आप लगा लो, तो ये क्या होता है क्लाइमेट, किसी भी एरिया में एक महीने तक मौसम कैसा रहा तो उसे क्या बोलोगे, क्लाइमेट बोलोगे, ओके। अगर आज का मुझे पता करना है कि भाई आज का मौसम कैसा रहेगा तो उसको क्या बोलोगे, वेदर बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, वेदर। लेकिन अगर एक महीने का पता करना है पूरा तो उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे क्लाइमेट। तो किसी भी गिवन प्लेस में, किसी भी एरिया में जो एटमोस्फेरिक वेरिएबल्स है उनको अगर हमें लॉन्ग टर्म में देखना है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। लेकिन अगर हमें सिंगल डे का देखना है तो उसको हम बोलते हैं वेदर। अब लॉन्ग डे में जैसा कोल्ड सीजन, जैसे सर्दी का मौसम होता है कोल्ड सीजन, तो क्या पूरे महीने ही चल, दो तीन महीने ही चलता है, ओके। रेनी सीजन देखो तो रेनी सीजन क्या होता है आपका, पूरे महीने ही चलता है, ओके। तो ये क्या होता है आपका, लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। जब हम सिंगल डे की बात करते हैं तो उसको हम वेदर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम आगे देखते हैं एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। अब हम लोग आ जाते हैं एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी पे। तो एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी इज बेसिकली ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्लांट या फिर किसी भी एनिमल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, फिजिकल कंडीशन का, आपके क्लाइमेट का, आपके एनवायरमेंट का, उस ये पर्टिकुलर चीजें हम लोग जिस साइंस में पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। एग्रीकल्चर में क्या आता है, आपके प्लांट्स के बारे में आता है, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी क्या होता है, अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। अब ब्रांच होता है एक मिनट, ब्रांच होता है आपका अप्लाइड साइंस का, ओके, ब्रांच होता है आपका अप्लाइड साइंस का जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और वो उस एनवायरमेंट का इंपैक्ट आपका क्रॉप्स के ऊपर कैसे पड़ रहा है और प्लांट के ऊपर कैसे पड़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। चलो
अब देखो, an applied science which deals with the relationship with weather, climatic condition and agricultural production. दूसरी चीज, आपका जो particular climate है, उसका आपका crop condition पे किस type का impact पड़ रहा है. Means आप जो crop लगा रहे हो, आपने जैसे कोई भी crop लगाई, तो उस crop के according climatic condition कैसी है. लाइक रेनी वेदर है, जैसे हम लोग सीजन वाइज क्रॉप लगाते हैं, रवि हो गया, आपका जायद हो गया, या फिर आपकी खरीफ की हो गई. क्रॉप्स हम लगाते हैं तो सीजन वाइज लगाते हैं ना, कि यार इस सीजन में बारिश ज्यादा होगी तो उस सीजन के अकॉर्डिंग हम क्रॉप लगाते हैं, या जिस सीजन में हमें पता है कि अब इस सीजन में धूप ज्यादा होने वाली तो उस सीजन के हम अकॉर्डिंग हम क्रॉप लगाते हैं. तो ये क्या है, वेदर और क्रॉप का रिलेशनशिप है. क्या है, वेदर और क्रॉप की रिलेशनशिप है. तो इस रिलेशनशिप के बारे में हम किस में पढ़ते हैं बेटा, इस रिलेशनशिप के बारे में भी हम एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं. ओके, किस में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं. ओके, इतनी बात क्लियर हो गई. चलो इसके बाद क्या कह रहे हैं, अ साइंस कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ मेट्रोलॉजी टू द मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम. तो बेसिकली जहां पर हम इसे एग्रीकल्चर में अप्लाई करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को, तो वहां पर ये क्या हो गया आपका, एग्रोमेट्रोलॉजी हो गया. ओके, ठीक है. द वर्ड एग्रोमेट्रोलॉजी इज एब्रीवेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी. तो अब देखो, हम लोग एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी तो बार बार यूज नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, एग्रोमेट्रोलॉजी बोलते हैं. और एग्रोमेट्रोलॉजी क्या हो गया हमारा, ये वर्ड कहाँ से आया, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी से ही तो आया है. एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी को हमने क्या किया, उसका एब्रीवेटेड फॉर्म जो है उसको हमने हटा दिया, वहां पर हमने क्या यूज किया, एग्रोमेट्रोलॉजी. एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर एंड मेट्रोलॉजी मीन्स द साइंस विच इज अबव ऑन द अर्थ सर्फेस. तो अर्थ सर्फेस से ऊपर जो भी आपका साइंस यूज होता है वो क्या हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया. और एग्रीकल्चर जहां, जब हम उसे क्रॉप के रिलेशन में बात करते हैं, जब हम उसको क्रॉप को लेके बात करते हैं, तो वो हो गया आपका एग्रोमेट्रोलॉजी. ठीक है, चलो अब हम इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं आपके क्रॉप प्रोडक्शन की. देखो बेटा, एग्रोमेट्रोलॉजी जो है ये हम क्लाइमेटिक वेदर की, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पर. ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन को लेकर के यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो क्लाइमेट है पर्टिकुलर, उसका क्रॉप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो इसलिए एग्रोमेट्रोलॉजी जो होता है बेटा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि देखो, आपने किसी भी सीजन में कोई क्रॉप लगा दी, ओके, आपने कोई क्रॉप लगा दी, लेकिन उस टाइम पे अगर मौसम अच्छा नहीं है तो क्या होगा, इतनी ज्यादा आपने जो क्रॉप है जो फील्ड में लगाई है, अगर इनकेस ड्रॉट आ गया उस टाइम पे तो सारी फसल खराब हो गई. अगर इनकेस बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया तो सारी फसल खराब हो गई. तो वहां पर एग्रोमेट्रोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है. कैसे, हम पहले ही क्या करते हैं बेटा, वेदर कंडीशन को हम मेट्रोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यार आने वाले टाइम में वेदर कैसा रहेगा, आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर जो हम क्रॉप लगाने वाले हैं क्या उसके लिए वेदर अच्छा रहेगा. अगर अच्छा रहेगा, वेदर की कंडीशन सुटेबल है, आपको पता है आपने अच्छी क्रॉप लगाई है, तो सीधी सी चीज की आपका प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत अच्छा होगा. ओके, आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा. ओके, अब देखो क्या कह रहा है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हम लोग देख लेते हैं बेटा. हेल्प्स इन प्लानिंग क्रॉप पैटर्न एंड सिस्टम. ये किस चीज में हेल्प करता है, प्लानिंग इन क्रॉप पैटर्न एंड सिस्टम. आप किस तरीके से अपना क्रॉप पैटर्न लगा सकते हो, आपका क्रॉप पैटर्न आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, मीन्स कौन सी क्रॉप आप लगा सकते हो किस टाइम पे. इसमें भी क्या है, मेट्रोलॉजी जो है हेल्प करता है. आप अपनी क्रॉप को, जो भी क्रॉप आप लगाने वाले हो उसको अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो कि यार मुझे गेहूं लगाना है तो मैं सीजन के अकॉर्डिंग गेहूं लगाऊंगा. तो मेट्रोलॉजी आपको किस चीज में हेल्प करता है, क्रॉप क्रॉप पैटर्न को प्लान करने में हेल्प करता है. इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ सोइंग डेट्स फॉर ऑप्टिमम क्रॉप यील्ड. अगर आपको क्रॉप यील्ड अच्छी चाहिए, ऑप्टिमम चाहिए, तो उसके लिए पहले आप क्या करो, अपनी सोइंग डेट को फिक्स करोगे. और सोइंग डेट को क्यों फिक्स करोगे, क्योंकि देखो बेटा सोइंग डेट में क्या होता है, अगर आपकी सोइंग कंडीशन सूटेबल है, अगर आपने क्रॉप की सोइंग ऐसे टाइम पे करी है कि जब आपका जो टाइम पीरियड है आने वाला वो आपका क्लाइमेट बिल्कुल अच्छा रहने वाला है, क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल सही रहने वाली है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने चूज किया है तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, क्रॉप यील्ड अच्छी मिलेगी. अगर आप लोगों ने इस तरीके से प्लान नहीं किया, कुछ भी लगा दिया और अगर मौसम खराब हो गया तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आपको यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी. अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस किसको होगा, फार्मर को होगा, जिसने भी क्रॉप लगाई. तो इसलिए मेट्रोलॉजी यहाँ पर हेल्प करता है कि आप क्या करो, किस पर्टिकुलर टाइम पे आपका क्लाइमेट कैसा रहने वाला है. क्योंकि देखो यहाँ पर क्रॉप वेदर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा. देखो एग्रीकल्चर पे वेदर का जो है वो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है,
एग्रीकल्चर पे वेदर का जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. ओके तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि आपका जो सोइंग की डेट है उसको सिलेक्ट करने में जो मेट्रोलॉजी है वो आपको हेल्प करता है ताकि आपको ऑप्टिमम यील्ड मिले. क्योंकि जितनी आपका जो टाइम पीरियड है, अगर सोइंग का टाइम पीरियड आपका बेस्ट है, आपने बेस्ट टाइम पे अगर सोइंग करी है तो उसका जर्मिनेशन पीरियड भी अच्छा होगा और आगे की जो आपकी क्रॉप के लिए जो वेदर कंडीशन होंगी वो भी बेस्ट होंगी. तो सीधी सी चीज, अगर आपका इरीगेशन या आपका रेनफॉल टाइम पे हो रहा है, सनलाइट की जो ड्यूरेशन है वो अच्छी है, तो क्रॉप को और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और इसके अलावा आपका इरिगेशन अच्छा चाहिए, न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी चाहिए. तो ये सब चीजें अगर क्रॉप को अच्छी मिल रही हैं तो सीधी सी चीज कि उसकी जो यील्ड होगी वो ऑप्टिमम होगी, मे बी मोर देन ऑप्टिमम हो सकती है. बात समझ में आई? तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्शन जो आपका सोइंग का डेट है, सोइंग का टाइम है, उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है ताकि आपकी जो यील्ड मिले वो अच्छी मिले. ठीक है. दूसरी चीज, कॉस्ट इफेक्टिव प्लॉगिंग एंड हैरोइंग वीडिंग एटसेट्रा. आपकी जो हैरोइंग है, वीडिंग है, प्लॉगिंग है, यहाँ पर भी हेल्प करता है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा देते हैं इन सब चीजों में, तो ये आपका जो वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है बेटा, ये इन सब चीजों में भी हेल्प करती है कि आप वीडिंग या हैरोइंग या प्लॉगिंग जो है उसका एक टाइम पीरियड डिसाइड करके रखो. क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जैसे क्लाइमेट का तो हम पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं कर पाते, हम किसी भी टाइम पे प्लॉगिंग कर लेते या हेरोइन कर लेते हैं हमारा, क्योंकि टाइमिंग जो होता है वो मैच नहीं करता. और मे बी अगर आगे जाके ये हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो गई, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के खराब होने की वजह से क्या होता है कई बार कि आपको दोबारा से प्लॉगिंग करानी पड़ती है या फिर दोबारा से आपको वीडिंग करानी पड़ती है, बार बार वीडिंग करानी पड़ती है. अब देखो, बार बार अगर आप वीडिंग कराओगे तो उतना ज्यादा लेबर कॉस्ट आप लगाओगे, और उतनी ज्यादा अगर आप लोग लेबर कॉस्ट लगाओगे तो क्या होगा, उतना ज्यादा इनकम तो आपको आपकी क्रॉप से भी नहीं मिलेगी. इसलिए यहाँ पर मेट्रोलॉजी थोड़ा सा इस चीज में हेल्प करता है, क्योंकि आगे आने वाले मौसम का हमें पता चल जाता है. तो हमें पता है कि हमें कितने ड्यूरेशन में प्लॉगिंग करनी है, हमें पता है कि हमें कितने ड्यूरेशन में क्या करनी है, हैरोइंग करनी, कितने ड्यूरेशन में हमें कितनी बार हमें वीडिंग करनी है, ये चीज हमें ऑलरेडी पता चल जाती है. ठीक है. दूसरा, रिड्यूसिंग लॉस ऑफ अप्लाइड केमिकल एंड फर्टिलाइजर. अब देखो, आपको यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर और जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के का जो यूज है उसको भी एग्रोमेट्रोलॉजी क्या करता है, उसको काफी ज्यादा रिड्यूस करने में हेल्प करता है. क्योंकि देखो बेटा, अगर आप लोग केमिकल्स या जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका अगर आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो तो उसकी वजह से क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है. अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस केमिकल यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से सॉइल जो है वो टॉक्सिक हो जाती है, और एक टाइम पीरियड के बाद उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है. ठीक है. अगर आप बहुत ज्यादा क्या करोगे, अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो बेटा, तो उसकी वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सॉइल के ऊपर पड़ेगा और सॉइल या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगी, सॉइल खराब हो जाएगी. तो डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रॉप प्रोडक्शन पे तो पड़ेगा ही, सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर भी पड़ेगा. तो यहाँ पर भी मेट्रोलॉजी हेल्प करता है. ओके. जुडिशियल इरीगेशन टू क्रॉप. जुडिशियल इरीगेशन टू क्रॉप कैसे? अब देखो, यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेनफॉल. ओके. रेनफॉल आपने मेट्रोलॉजी के थ्रू आइडिया लगा लिया कि भाई आपको पता चल गया कि रेनफॉल जो है वो कितने कितने टाइम पीरियड में होने वाला है. अब आपको पता चल गया कि महीने में 3 बार रेनफॉल होने वाला है. ओके. तो आपने क्या किया, क्रॉप भी उसके अकॉर्डिंग लगा दी. क्योंकि हमें वेदर डेटा पता चल जाता है ना, हमें मौसम का पता चल जाता है कि अब कुछ टाइम में मौसम कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा रहने वाला है या कितनी ज्यादा बारिश होने वाली है. ये तो हमें मेट्रोलॉजी के थ्रू पता चल ही जाता है. ओके. वेदर डेटा के अकॉर्डिंग पता चल ही जाता है. तो हमने क्या किया, क्रॉप भी अपनी उसी के अकॉर्डिंग लगा ली. हमने अपनी क्रॉप की सोइंग ऐसी क्रॉप की सोइंग कर ली जिसको वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है, अगर ज्यादा रेनफॉल होने वाला है. अगर कम रेनफॉल होने वाला है तो हमने क्या किया, ऐसी क्रॉप लगा दी जिसको वाटर रिक्वायरमेंट कम है. तो अब देखो, अगर आपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप लगाई है तो सीधी सी बात कि आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा, और प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, यील्ड अच्छी मिलेगी, तो इनकम भी अच्छी मिलेगी. आगे बात समझ में? तो यहाँ पर जुडिशियल इरिगेशन में भी जितना अच्छा रेनफॉल होगा, आपको पता चल गया कि यार अब इस महीने 4 या 5 बार रेनफॉल होने वाला है, तो आपने क्या किया, ऐसी क्रॉप लगा दी जिसको रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है. अगर आपको पता है कि रेनफॉल नहीं होने वाला है तो आपने ऐसी क्रॉप लगा दी जिसको रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है. बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जुडिशियल इरिगेशन, ताकि आप बहुत ज्यादा इरिगेशन नहीं करो. अगर आपको रेनफॉल का पता है तो आप वहां पर बहुत ज्यादा इरिगेट करने में पैसा वेस्ट नहीं करोगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे. दूसरा, आप क्रॉप भी क्या करोगे, उसी तरीके से यूज करोगे और अपना ऑप्टिमम जो आपको प्रोडक्शन है उसको आप गेन करोगे. बात समझ में आ गई? चलो,
दूसरी चीज एफिशिएंट हार्वेस्टिंग टू ऑल क्रॉप, ये क्या करता है, जितनी भी आपकी क्रॉप्स हैं, जितनी भी जो भी क्रॉप आपने लगाई है, हर क्रॉप की एफिशिएंट हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करता है। ओके, एफिशिएंट हार्वेस्टिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा रिड्यूसिंग एलिमिनेटिंग आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, ये क्या करता है बेटा, अब देखो अगर आपका ये रेनफॉल जो है या सनी डेज आपका कितने टाइम पीरियड का, क्लाइमेट आपका, होलसोल क्लाइमेट आपका कैसा रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप डिजीज और पेस्ट के अटैक को भी एस्टिमेट कर सकते हो। अब देखो जैसे रेनी सीजन है, रेनी सीजन में जनरली डिजीज आप लोग देखते हो ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश ज्यादा होगी तो बारिश की वजह से क्या होता है, फंगल इन्फेक्शंस भी ज्यादा होते हैं, और फंगल इन्फेक्शंस के साथ साथ आपके बाकी के जो पैथोजेंस होते हैं उनके अटैक के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं रेनी सीजन में। तो इस वजह से अगर हम क्या करें, रेनी सीजन में ऐसी क्रॉप लगाएं जो जनरली क्या है, रेजिस्टेंट है, या जिसके ऊपर ज्यादा ये आपका फंगल इन्फेक्शन या पैथोजेंस का अटैक नहीं होता, अगर हम ऐसी क्रॉप लगाएं तो उससे भी हम बहुत ज्यादा बेनिफिट गेन कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी ये क्या करता है, डिजीज या पेस्ट के आउटब्रेक में भी हेल्प करता है, डिजीज या पेस्ट के आउटब्रेक को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या करता है, पहले से ही हमें मौसम के बारे में बता देता है, हमें क्लाइमेट का पहले से पता है कि क्लाइमेट कैसा रहने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग या तो हम रेजिस्टेंट क्रॉप को लगाएंगे या फिर हम ऐसी क्रॉप को तो हम चूज ही नहीं करेंगे जिस क्रॉप में क्या होगा आपका, जनरली जिस क्रॉप में पैथोजन अटैक आपका ज्यादा होता हो या फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होते हो, क्योंकि अगर हम ऐसी क्रॉप को लगाएंगे तो हमें पता है कि सीजन कैसा रहने वाला है, अब उस पर अगर अटैक हो गया डिजीज का तो क्रॉप सारी खराब हो जाएगी। बात समझ में आई, चलो अब देखो दूसरी चीज ये क्या कह रहा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सॉइल विच आर फॉर्म्ड आउट ऑफ वेदर एक्शन, ये क्या करता है, सॉइल के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ओके, सॉइल के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। अब देखो बेटा वेदर किस तरीके से सॉइल मैनेजमेंट में हेल्प करता है, सॉइल की जो ह्यूमिडिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेनफॉल के ऊपर करती है ना, अगर रेनफॉल एडिक्वेट अमाउंट में हो रहा है तो सॉइल भी तो उस रेनफॉल को रिसीव करती है, सॉइल में भी क्या होगा, ह्यूमिडिटी अच्छी होगी, मॉइस्चर अच्छा होगा, और अगर सॉइल का मॉइस्चर अच्छा है तो क्या होगा, वो प्लांट्स को भी बहुत अच्छा अच्छे से मॉइस्चर देगी, और प्लांट में क्या होगा फिर वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी, सीधी सी चीज। ओके, अगर ड्रॉट वाली कंडीशन है, कहीं पर ड्रॉट आ गया, बहुत कहीं पर ड्रॉट की कंडीशन आपकी प्रिवेल हो रही है या ड्रॉट की कंडीशन आपकी ज्यादा प्रिविलेंट है कहीं पर, तो वहां पर क्या होगा, सॉइल में भी मॉइस्चर नहीं मिलेगा, और सॉइल में जब मॉइस्चर नहीं होगा तो वो सॉइल क्या करेगी, प्लांट की ग्रोथ को हेल्प नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है, अगर ड्रॉट वाली कंडीशन है सॉइल में, अगर सॉइल में आपका जनरली क्या है कि वहां पर ड्रॉट या तो प्रिविलेंट है या आने वाला है, तो वहां पर क्या होगा, ड्रॉट किस वजह से आता है, आपका मॉइस्चर की कमी की वजह से, तो सॉइल में तो मॉइस्चर रहेगा नहीं। ओके, और जब सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा बेटा तो सॉइल उसको क्या करेगी, वहां पर जो भी क्रॉप आपकी होगी उस पर्टिकुलर क्रॉप को वो क्या करेगी, मॉइस्चर प्रोवाइड कर नहीं पाएगी, और बिना मॉइस्चर के तो प्लांट सर्वाइव कर नहीं सकता, प्लांट में तो विल्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर बेटा जो सॉइल है, ठीक है, मेट्रोलॉजी जो है वो सॉइल के एफिशिएंट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, एफिशिएंट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। इसके अलावा मैनेजिंग वेदर एबनॉर्मेलिटी लाइक साइक्लोन, हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स, अब इन सब में तो हेल्प करता ही है, फ्लड्स जो आते हैं या रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल जो होता है, इन सब चीजों में भी क्या करता है, मेट्रोलॉजी हेल्प करता है। कैसे, अब आपकी कल आपका कहाँ पर फ्लड आने वाला है, कहाँ पर साइक्लोन्स आने वाले हैं, ये हम पता करते हैं ना क्लाइमेट के थ्रू, तो सब में कौन हेल्प करता है, मेट्रोलॉजी ही हेल्प करता है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी बेटा आपके साइक्लोन्स, हैवी साइक्लोन्स जो होंगे उनको उनमें हेल्प करता है कि हैवी साइक्लोन्स कब आने वाले हैं, आपको किस तरीके से, तो उससे पहले ही आप अपनी क्रॉप को किस तरीके से बचा सकते हो, आप अपनी क्रॉप के लिए क्या क्या मेजर्स यूज कर सकते हो अपनी क्रॉप को एफिशिएंटली उसको बचाने के लिए, या अगर आपका ड्रॉट आने वाला है तो आप क्या कंडीशंस अपनी क्रॉप के लिए यूज कर सकते हो कि आपकी क्रॉप खराब नहीं हो या आपका पूरा प्रोडक्शन खराब नहीं हो, तो इन सब चीजों में मेट्रोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। बात समझ में आ गई। ओके, तो ये क्या करता है, आपका जितनी भी वेदर एबनॉर्मेलिटी होती है, जैसे साइक्लोन हो गया, तूफान से भी तो क्रॉप पूरी खराब हो जाती है ना, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट पहले से लगा सकते हो, क्योंकि विंड ब्रेक या शेल्टर बेल्ट क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, अब आपकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उसके साइड में आपने क्या किया, शेल्टर बेल्ट को लगा दिया, शेल्टर बेल्ट क्या करेंगे, जो आपकी बहुत स्पीड से जो विंड आ रही है उस विंड को, उस विंड की जो इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस कर देंगे, और विंड की इंटेंसिटी जैसे ही रिड्यूस होगी, जब तक वो आपके एग्रीकल्चर फील्ड में आएगी उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
बात समझ में आई? तो यहाँ पर भी मेट्रोलॉजी क्या करता है, आपका हेल्प करता है। ओके, अब हम थोड़ा सा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी देख लेते हैं। आप लोगों ने एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ा होगा, तो एग्रोमेट्रोलॉजी के प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने इसी में किए होंगे, एग्रोमेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेटरी में। ओके, ऑब्जर्वेटरी में जनरली हमारे क्या होते हैं, सारे लैब इक्विपमेंट्स होते हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेटरी के बारे में पढ़ लेते हैं। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इज अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस होता है वेयर ऑल नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स आर मेंटेन्ड टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड डिफरेंट वेदर एलिमेंट्स। जहां पर हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट वेदर एलिमेंट्स को रखते हैं। ओके, वेदर एलिमेंट्स पैरामीटर्स एट स्टिपुलेट टाइम इंटरवल। देखो बेटा, ऑब्जर्वेटरी एग्रोमेट्रोलॉजी की जो ऑब्जर्वेटरी है वो पर्टिकुलर एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम वेदर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स के मेजरमेंट्स के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं उन इक्विपमेंट को हम इस पर्टिकुलर प्लेस में रखते हैं। बात समझ में आ गई? मेट्रोलॉजी एग्रो जो आपकी एग्रोमेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेटरी होती है, जो जनरली आप लैब बोलते हो जिसको, अपनी मेट्रोलॉजी की लैब। ओके, तो जैसे वहां पर हमारी डिफरेंट टाइप की, यहाँ पर आप लोग देखो ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, आप लोग देख सकते हो ये आपकी ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ पर आपका सनशाइन रिकॉर्डर है, बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा होगा बट यहाँ पर सनशाइन रिकॉर्डर है। यहाँ पर आपका रेन गॉज लगा हुआ है, ये पैन इवेपोरेमीटर लगा हुआ है, साइड में आपके विंड वेन लगे हुए हैं, कप एनीमोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपके सॉइल थर्मामीटर लगे होते हैं साइड में। ओके, तो ये आपके क्या है, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके जितने भी वेदर के फैक्टर है, जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर है, उनके मेजरमेंट करता है कि आज रेनफॉल कितना हुआ। तो रेन गॉज क्या करता है, रेनफॉल की मेजरमेंट करता है। इसके अलावा जो सनशाइन रिकॉर्डर है वो क्या करता है, आपकी सनलाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है कि सनलाइट की इंटेंसिटी क्या है। ओके, इसके अलावा विंड वेन जो है वो क्या करता है, विंड की इंटेंसिटी को मेजर करता है। कप एनीमोमीटर आपकी सॉरी विंड वेन जो है विंड की डायरेक्शन को देता है, और कप एनीमोमीटर जो है वो विंड की इंटेंसिटी को बताता है। तो ऐसे ही आपका पैन इवेपोरेमीटर भी होता है, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट क्या करते हैं, हमारे जितने भी वेदर के फिनोमेना है, जितने भी वेदर की आपकी कंडीशंस होती हैं, उन सारे फैक्टर्स को मेजर करने का काम करते हैं। जितने भी आपके वेदर के फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर्स को क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। रेनफॉल कितना हुआ उसको भी मेजर करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को ये ऑब्जर्वेटरी में क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो दूसरा, एग्रोमेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेटरी इज एसेंशियल टू रिकॉर्ड वेदर फिनोमेना फॉर अंडरस्टैंडिंग क्रॉप वेदर रिलेशनशिप लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। दूसरी चीज ये क्या कह रहा है बेटा, कि जो आपकी एग्रोमेट्रोलॉजी की जो ऑब्जर्वेटरी होती है, यहाँ पर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, आपके क्रॉप वेदर फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। क्रॉप वेदर जो रिलेशनशिप होती है उसको समझने में हेल्प करते हैं, और उसके थ्रू वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करते हैं। ओके, उसके थ्रू क्या करते हैं, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करते हैं। बात समझ में आ गई कि आपकी वेदर कंडीशन कैसी है, आपकी कौन से वेदर कंडीशन के लिए कौन सी क्रॉप आपकी ज्यादा अच्छी रहेगी। जैसे आप हमारा जनरली जहाँ पर समर सीजन होता है, तो समर सीजन में जनरली जैसे गर्मियों का टाइम होता है, तो हिंदी लैंग्वेज में भी बताइए, ठीक है बेटा, मैं हिंदी में ही तो समझा रही हूँ इतनी देर से, चलो कोई नहीं, और अच्छे से हिंदी में बता देती हूँ। देखो जैसे गर्मियों का टाइम आता है, तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि धूप की जो सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है, धूप की जो तीव्रता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आई? तो उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि सनशाइन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके कि यार यहाँ पर तो जनरली आपका ये धूप ज्यादा रहती है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां पर हमने क्या किया, जो भी क्रॉप को लगाया वो उसके अकॉर्डिंग लगाई, जो भी फसल आपने लगाई उस टाइम पे, वो फसल आपने ऐसी लगाई कि जिसको धूप की ज्यादा जरूरत है, ऐसी क्रॉप्स आपने वहां पर लगाई जिसको आपकी सनलाइट की इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बात समझ में आई? अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, रेन गॉज जो है, रेन गॉज से आपने मेजर किया कि यार पिछले एक साल में क्या है, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो आपने क्या किया, वहां पर ऐसी क्रॉप्स लगा दी कि जिसको रेन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जिसको बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, बारिश के पानी की जरूरत है, आपने ऐसी क्रॉप्स लगा दी। तो इस तरीके से जो क्रॉप वेदर फिनोमिना है, जो फसल का जो एक जो मौसम के साथ जो एक रिलेशन होता है, जो एक रिश्ता होता है, उसको समझने में भी जो आपकी ऑब्जर्वेटरी होती है बेटा, जो आपकी लैब होती है मेट्रोलॉजी की, वो हेल्प करती है।
बात समझ में आई, वो क्या करती है, हेल्प करती है. ओके तो चलो ये ऑब्जर्वेटरी के बारे में समझ में आ गया. ऑब्जर्वेटरी जनरली आपकी लैब ही होती है, आपकी प्रयोगशाला होती है, जिसमें आप क्या करते हो, अलग अलग इक्विपमेंट रखते हो, उनके थ्रू आप क्या करते हो, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहां के मौसम की दशा को आप बार बार उसे चेक कर सकते हो. ओके इतनी चीज क्लियर हो गई. चलो अब हम लोग आगे देखते हैं. एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में आपके बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं बेटा. ओके यहाँ पर हमारी बहुत सारे जो चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं. तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं एक बार हम देख लेते हैं. ड्राई बल्ब थर्मामीटर होता है यहाँ पर. ओके जो क्या अभी इसके बारे में सबके बारे में बताऊंगी. वेट बल्ब थर्मामीटर होता है, मैक्सिमम थर्मामीटर होता है, मिनिमम थर्मामीटर होता है, एस्टिमेशन स्क्रीन होती है, रेन गॉज हो गया, सॉइल थर्मामीटर होते हैं, विंड वेन होती है, कप एरिमोमीटर हो गया, ओपन पैन एवेपोरीमीटर हो गया, साइक्रोमीटर हो गया, इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर इक्विपमेंट हो गया, और इसके अलावा आपका सनशाइन रिकॉर्डर यहाँ पर प्रेजेंट होता है. इतनी बात समझ में आ गई. ओके ये चीज समझ में आ गई. चलो एग्रीकल्चर टी एंड केन सुपरवाइजर के लिए सफिशियंट होगा बेटा. देखो अब सिलेबस एग्रीकल्चर टी एंड केन सुपरवाइजर के लिए अगर आप लोग और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग पेड बैचेस भी ले सकते हो. हम लोग के पेड बैचेस भी चल रहे हैं तो आप लोग पेड बैचेस में भी इनरोल कर सकते हो, क्योंकि आप लोग क्लासेस से देख सकते हो कि वो आप लोग के लिए सफिशियंट है या नहीं. ऑलमोस्ट वैसे जितना मैं करवाऊंगी और जितना आप लोगों का सर लोगों ने भी करवाया, मीनाक्षी मैम ने भी करवाया है, ये काफी ये इसमें मोस्ट ऑफ द आप लोग ये लगा सकते हो कि 60% चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में पूछी जाएंगी. तो 60% ऑफ द थिंग्स तो इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए आप बैच भी परचेज कर सकते हो. ठीक है चलो. ड्राई बल्ब थर्मामीटर, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ड्राई बल्ब थर्मामीटर के बारे में बता देती हूँ. तो ड्राई बल्ब, ड्राई से क्या होता है, सूखा. ओके तो और थर्मामीटर क्या करता है, मेजर करता है. वो क्या मापता है कि आपका आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है. ओके तो ड्राई बल्ब थर्मामीटर जो है बेटा ये आपका क्या मेजर करता है, द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर बाय थर्मामीटर फ्रीली एक्सपोज टू द एयर, कि आपका हवा में कितना कितना टेम्परेचर है, एयर का कितना टेम्परेचर है, ये बताता है आपका ड्राई बल्ब थर्मामीटर. क्या बताता है बेटा, एनटीए का सिलेबस. बेटा एनटीए का सिलेबस जब आएगा तो तब मैं बता दूंगी, इसलिए मैंने उस नहीं बोला था. एनटीए का जब सिलेबस आएगा तो आप लोग को वो भी बता दिया जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो. मैंने उसको मैंने आपका कमेंट देख लिया था पिछली क्लास में. ओके चलो तो ड्राई बल्ब जो थर्मामीटर है बेटा ये क्या करता है, आपके एयर के टेम्परेचर को मेजर करता है. ओके इसके अलावा वेट बल्ब जो थर्मामीटर है बेटा ये क्या करता है आपका, ये आपके इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ कूलिंग दैट हैपेंस एज अ मॉइस्चर ड्राई फ्रॉम द सरफेस, कि ये जनरली इवेपोरेशन सरफेस इवेपोरेशन कूलिंग को देखता है कि आपका जो सरफेस है उससे इवेपोरेशन कूलिंग जब हुई है तो उसमें कितना ज्यादा मॉइस्चर था, उसमें कितना ज्यादा मॉइस्चर था. ये तो एयर के टेम्परेचर को देख रहा है. वेट बल्ब क्या करता है आपका, इवेपोरेशन कूलिंग को देखता है कि जो इवेपोरेशन हुआ उसमें कितना ज्यादा मॉइस्चर था. इवेपोरेशन क्या होता है, आपका जो जमीन पे जो भी आपका पानी या जो भी आपका ये नमी होती है, जो धूप जब आती है तो वो क्या करती है, उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है उसको, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन. जब आपका ये लैंड सरफेस से सनलाइट, ये सनलाइट क्या करती है दिन के टाइम पे लैंड सरफेस से जो भी आपका वाटर जो एक्यूमुलेट होता है उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके सो बेसिकली अगर हम इसे बोले तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस से जो भी आपका लॉस ऑफ वाटर होता है वो आपका जनरली इवेपोरेशन होता है. ठीक है तो जो भी पानी वो एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. तो इवेपोरेशन कूलिंग जो होती है बेटा, इवेपोरेटिव कूलिंग जो होती है कि इवेपोरेशन के टाइम पे जो आपका एयर का जो मॉइस्चर लेवल था वो कितना था, तो ड्राई बल्ब सॉरी वेट बल्ब उसको क्या करता है, वेट बल्ब थर्मामीटर उसको मेजर करता है. ओके द वेट बल्ब थर्मामीटर इज ऑलवेज लोअर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्सेप्ट वेन देयर इज 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब देखो जनरली क्या होता है, जैसे धूप आई है
ओके अब धूप आई है तो क्या होगा बेटा, दिन भर क्या होगा, मौसम बिल्कुल गर्म रहेगा। अब गर्म रहेगा तो हवा भी बिल्कुल गर्म चलेगी, तो ड्राई एयर ज्यादा चलेगी, तो सीधी सी बात की जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा वेट बल्ब ड्राई बल्ब का। अब वेट बल्ब का टेम्परेचर तो कम ही होगा, क्यों कम होगा वेट बल्ब का टेम्परेचर, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर तो है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं, क्योंकि दिन भर धूप थी तो इस वजह से क्या था, अब ये नमी तो कहीं थी ही नहीं। अब जब नमी कहीं नहीं थी बेटा तो सीधी सी चीज है कि वहां पर आपका वेट बल्ब का जो थर्मामीटर है वो क्या करेगा, डाउन होगा। तो जनरली ये क्या कह रहा है कि वेट बल्ब जो थर्मामीटर होता है बेटा वो आपका ड्राई बल्ब से कम होता है, तब तक वो आपका ज्यादा तभी होता है जब आपके ये इन्वायरमेंट में 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। जैसे बारिश अगर ज्यादा होगी तो तब क्या होता है, हवा में बिल्कुल नमी होती है तो वेट बल्ब जो थर्मामीटर है उसकी रेंज आपकी ऊपर जाती है। जनरली वो रेंज कम होती है जब आपकी सनी डेज ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो मैक्सिमम थर्मामीटर क्या होता है बेटा, तो थर्मामीटर दैट रिकॉर्ड्स हाईएस्ट टेम्परेचर टू विच हैज बीन एक्सपोज, ये आपका जनरली पूरे दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहा उसको मेजर करता है मैक्सिमम थर्मामीटर, कि पूरे दिन में आपका हाईएस्ट टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर था आपका वो कितना रहा उसको बताता है आपका मैक्सिमम थर्मामीटर, ओके। इसे जनरली आपका डेली टेम्परेचर आज का पूरा दिन है। अब आज के पूरे दिन में सबसे कम टेम्परेचर कब रहेगा, तो सबसे कम जो टेम्परेचर रहेगा उसको मेजर करेगा मिनिमम थर्मामीटर, और आज पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब रहेगा तो उसको मेजर करेगा मैक्सिमम थर्मामीटर। इतनी बात समझ में आ गई, तो मिनिमम और मैक्सिमम थर्मामीटर क्या करते हैं, पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर जब रहेगा और पूरे दिन भर में सबसे कम टेम्परेचर कब रहेगा आपका, ओके। चलो स्टीवेंशन स्क्रीन, स्टीवेंशन स्क्रीन क्या होती है बेटा, एक पूरी स्क्रीन होती है, इसके अंदर आपके वेट बल्ब थर्मामीटर भी होते हैं और ड्राई बल्ब थर्मामीटर भी होते हैं, तो इस स्क्रीन के अंदर जनरली आपके ये इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट शेल्टर इज अ शेल्टर और एन इनक्लोजर टू मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट प्रेसिपिटेशन एंड डायरेक्ट हीट रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड। अब देखो उसके अंदर थर्मामीटर लगे होते हैं, ओके, ड्राई बल्ब हो गया वेट बल्ब हो गया, तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में कितना ज्यादा आपका आज ह्यूमिडिटी थी, कितना ज्यादा आपकी सनलाइट की ये इंटेंसिटी थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ड्राइनेस हुई है, तो इसको मेजर करने का काम आपके ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मामीटर करते हैं जो स्टीवेंशन स्क्रीन के अंदर रखे होते हैं। तो स्टीवेंशन स्क्रीन जनरली क्या करती है, शेल्टर की तरह काम करती है इन वेट बल्ब और ड्राई बल्ब थर्मामीटर के लिए, क्योंकि उसके अंदर ही वो लगे होते हैं और वहीं से मेजर करते हैं, ओके। रेनगॉज, अब रेनगॉज क्या होता है, नॉन रिकॉर्डिंग रेनगॉज, तो रेनगॉज क्या करता है बेटा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बारिश हुई है उसको रिकॉर्ड करता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक्चुअली में, और उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, उस जैसे ही बारिश होती है ना उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, बारिश का पानी जो होता है वो कलेक्ट होता रहता है, ऊपर से उसका मुंह खुला हुआ होता है और नीचे की तरफ बिल्कुल इस तरीके से बंद होता है, ऐसा बना हुआ होता है जनरली, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर से खुला हुआ रहता है फिर नीचे इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है बेटा, पानी कलेक्ट होता रहता है। तो जब इसमें जैसे ही बारिश होती है, जब बारिश आपकी कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद इसको हम निकालते हैं और फिर जितना इसमें वाटर होगा उसको मेजर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि आज पूरा दिन भर में कितनी बारिश हुई। तो रेनगॉज क्या करता है, रेनफॉल का मेजरमेंट देखता है कि कितनी बारिश हुई आज। विंड वेन क्या होता है, तो क्या कह रहा है, वेदर क्लॉक इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर Showing the direction of wind. ये generally क्या करता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ये vehicles होते हैं generally, उनके ऊपर भी जैसे ट्रक वगैरह होते हैं तो इनके ऊपर भी एक लगा होता है विंड वेन, generally किसी में कप एनिमोमीटर भी लगा होता है, किसी में विंड वेन भी लगा होता है। तो बेटा ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ विंड, आप लोगों ने देखा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके बना होता है, तो वो क्या होता है आपका विंड वेन होता है, वो जिस साइड को घूमता है हम उस साइड से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा है तो जो विंड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू वेस्ट है, अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो जो विंड की डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है। तो जिस साइड को वो घूमता है बेटा उस साइड से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विंड की जो स्पीड है, विंड की जो डायरेक्शन है, मतलब हवा जो है इसी दिशा में बह रही है, हवा जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, ये हम आपका जो आपका विंड वेन होता है उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे हम इतना पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद आता है एनीमोमीटर, तो कप एनी, देखो विंड वेन ऐसा होता है, देखो बेटा इस तरीके से विंड वेन, ये आप लोगों ने हर जगह देखा होगा विंड वेन इस तरीके से होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये देखो ये जो है ना ये इस तरह से लगा हुआ है, जो ये बड़ा सा डंडा सा, ये जो डंडा है ये आपका बताते, ये उसी डायरेक्शन में घूमता है जिस डायरेक्शन में एयर जाती है, जिस डायरेक्शन में विंड जाएगा उसी डायरेक्शन में ये घूमेगा,
ओके तो इससे आप अब इसकी डायरेक्शन से ये जहां को हिलेगा उस साइड से आप ये देख सकते हो कि हवा जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, यहां से आप विंड की डायरेक्शन देख सकते हो। ओके दूसरा ये है कप एनीमोमीटर। अब इसमें क्या होता है बेटा, साइड में एक जगह रिकॉर्डिंग के लिए भी होता है, ये बताता है विंड की इंटेंसिटी को। ओके किस चीज को बताता है, विंड की इंटेंसिटी को बताता है। तो देखो विंड प्रेशर एंड विंड स्पीड क्या मेजर करता है, ये कि कितनी तेजी से आपकी हवा बह रही है, विंड स्पीड और विंड प्रेशर कितना है। ओके तो यहाँ पर ये भी क्या होता है, जैसे ही हवा चलती है तो ये बहता है, ठीक है, ये इस तरीके से उड़ता रहता है, ये इस तरीके से जैसे ये भी आपका ये चारों तरफ रोटेट करता है ना, वैसे ये भी घूमता रहता है, इस तरीके से घूमता है ये कप एनीमोमीटर। और क्या करता है, विंड की स्पीड विंड के प्रेशर को मेजर करता है। ओके विंड की स्पीड विंड के प्रेशर को मेजर करता है, विंड की इंटेंसिटी को मेजर करता है, कितनी इंटेंसिटी से कितनी तेजी से हवा जो है वो बह रही है। ओके दूसरा आता है ओपन फैन इवेपोरेटर। तो ये जनरली क्या करता है, वाटर सरफेस के ऊपर से आपका ये सनलाइट जो है वो कितना ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, उसको ओपन फैन इवेपोरेटर उसको ऑब्जर्व उसको क्या करता है, चेक करता है। ओपन फैन इवेपोरेटर मैंने एक स्लाइड में शायद लगाया भी था, एक मिनट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये ओपन फैन इवेपोरेटर है, इसको रब कर लेते हैं पहले हम। देखो बेटा ये आपका ओपन फैन इवेपोरेटर है, इसमें ये इस तरीके से होता है, ऊपर से पूरी जाली लगी होती है, जाली से पूरा बंद होता है ये, और फिर इसके अंदर हम लोग यहाँ इसके अंदर पानी पूरा कलेक्ट हो जाता है, फिर वहां से हम मेजर कर सकते हैं कि पूरे दिन इसमें पूरा वाटर कितना था और पूरे दिन भर में इवेपोरेशन कितना हुआ है। तो ओपन फैन इवेपोरेटर से हम पूरे दिन भर का इवेपोरेशन रेट जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ओके किसको मेजर कर सकते हैं, पूरे दिन भर में जो भी आपका इवेपोरेशन हुआ है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके चलो अब हम लोग आगे अपने दूसरे इक्विपमेंट्स देख लेते हैं, दूसरे इक्विपमेंट्स क्या है। इसके बाद आता है आपका साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर क्या हो रहा है, अब इसके बाद आता है आपका साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर क्या करता है बेटा, डिटरमाइन एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एम्बिएंट एयर। जो एयर वहां पर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एयर की में ह्यूमिडिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर एयर में कितना मॉइस्चर है, इस चीज को मेजर करता है साइक्रोमीटर। और दूसरा उस एयर का टेम्परेचर कितना है, उस जो एयर वहां पर एम्बिएंट एयर वहां पर प्रेजेंट है, जो हवा वहां पर बह रही है उस हवा में मॉइस्चर कितना है और दूसरा उस हवा में टेम्परेचर कितना है, इसको साइक्रोमीटर मेजर करता है। कौन करता है, साइक्रोमीटर इसको मेजर करता है। इसके बाद आता है हमारा सनशाइन रिकॉर्डर। तो सनशाइन रिकॉर्डर क्या करता है बेटा, पूरे दिन भर में कितनी धूप हुई, कितनी सनलाइट थी, उसको मेजर करता है सनशाइन रिकॉर्डर। ये जनरली आपका टॉप में लगा होता है और वहां पर क्या होता है, उसमें कुछ नीचे से कार्ड्स होते हैं, तो एक दिन में पूरा एक कार्ड जो होता है वो बर्न हो जाता है, पूरे दिन भर में वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और नीचे जो उसके लिए कार्ड रीडिंग लगी होती है ना, तो जो रीडिंग जहां पर वो एब्जॉर्ब करता है तो वो रीडिंग बर्न हो जाती है, फिर वहां से वो आपको बताता है कि पूरे दिन भर में अमाउंट ऑफ सनलाइट कितना रहा है, कितनी सनलाइट की इंटेंसिटी रही है, कितनी सनलाइट रही है, उसको आप वहां से मेजर कर सकते हो। तो बेटा आज की क्लास में ये जो था आप लोगों का, ये कंप्लीटली था मेट्रोलॉजी के लिए, इंट्रोडक्टरी क्लास थी आप लोगों की। ओके इसमें मैंने आप लोगों को तो ये मेट्रोलॉजी के इक्विपमेंट्स के बारे में बताया, मेट्रोलॉजी के बारे में बताया, फादर ऑफ मेट्रोलॉजी के बारे में बताया, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। अब कल की क्लास में हम लोग अभी नहीं बता रही हूं मैं टॉपिक, कल की क्लास में क्या बताऊंगी। ओके तो आज की क्लास में आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी आई थिंक। ओके तो गाइस अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग क्लासेस रेगुलरली देखिएगा। ओके क्योंकि आप लोगों के लिए सारी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रात को जो मेरी क्लास होती है प्लांट पैथोलॉजी की, रात को 9 बजे एग्रीकल्चर अड्डा पे ही होती है, तो आप लोग उस क्लास को भी अटेंड करना मत भूलिएगा क्योंकि वो क्लास आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके और आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।